वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कसा वार्ड बता रहे आप? फिर एक बार मोदी सरकार वो जीते हैं, वो जीतेंगे। वार्ड 42 का एरिया कौन सा आता है? कैलाश नगर, वार्ड 49। अच्छा, फिर एक बार मोदी सरकार। वाह वाह वाह, धन्यवाद आप सब कार्यकर्ताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपको भी 211 नंबर भाग संख्या। वाह। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। आइए करें इस देश के महात्योहार की तैयारी। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। करें देश के महात्योहार की तैयारी। क्या गांव टगर सब संग आए, कोई वोट न बाकी रह जाए। कोई भी उम्र या तबका हो, हर उंगली पर रंग आए। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारे राजस्थान सरकार के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उदयपुर में। उनके साथ में ही श्रीमान कुंतीलाल जी उप महापौर, हमारे लोकेश जी द्विवेदी और राजकुमार जी चित्तौड़ा और तखत सिंह जी भी पधार चुके हैं, जो कि इधर विराजे आगे। भाई साहब, सभी कार्यकर्ता आपके साथ हैं, शाम का समय है, आप हमें बताएं कि दिन भर की वोटिंग किस तरह से रही और लगभग क्या रिजल्ट रहेगा, ऐसा हमें आप पूरी और जो भी जानकारी पूरी दे। तो क्या है कि आज का जो मतदान था वो पब्लिक में काफ़ी अधिक उत्साह था और पब्लिक स्वयं चल कर के ही वोट करने लिए आई थी, और मैं सोचता हूँ कि हमको लाने में बहुत ज़्यादा मदद या बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। स्वतः प्रेरणा से लोग पोलिंग स्टेशन तक आए हैं, उनके मानस से, उनके चेहरे से लगता है कि सबने मोदी का सहयोग किया है। उदयपुर का सारा आंकड़ा तो अभी इकट्ठा होगा, मोटे रूप में मैं कह सकता हूँ 67-68% के लगभग वोटिंग जो है वो हमारा आएगा शहर विधानसभा का, और इसमें मैं सोचता हूँ 30,000 से अधिक मतों से बीजेपी यहाँ लीड करेगी और सारी लोकसभा में हम 2,00,000 से भी अधिक वोटों से लीड करेंगे और ये सीट श्योर बीजेपी के खाते में जाएगी। पूरे राजस्थान की जहाँ बात करें और पूरे भारत की बात करें तो ये चुनाव किस तरह से रहेंगे? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब केंद्र में बन सकेगी? देखो, ये जो उदयपुर में जो असर आया है मोदी का, ये केवल उदयपुर में नहीं आया, सारे हिंदुस्तान में मोदी के प्रति एक आकर्षण, उस आकर्षण का एक हिस्सा उदयपुर की जनता भी बनी है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ राज्यों में जहाँ हमारा जाना आना नहीं हुआ उसको तो नहीं कह सकता, पर हमारे यहाँ जो 13 सीटों के चुनाव हुए हैं, मैं सोचता हूँ एक आध सीट चली जाए तो कह नहीं सकता हूँ, बाकी सब सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुंतीलाल जी। भाई साहब, आप भी कहें 2 शब्द कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के लिए। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ और जो मोदी फैक्टर चला, और इस बार सबसे प्रमुख बात ये रही कि हमको मतदाताओं को लाने की और उनको रिक्वेस्ट करने की, जो प्रति चुनाव में प्रत्येक बार हम करते हैं, इस बार जो है मतदाता स्वयं मोदी जी के पक्ष में वोट करने के लिए अपने व्हीकल, अपने स्कूटर से आए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मंजू भाई साहब, गर्मी बहुत थी, जनता परेशान हुई या कार्यकर्ता? गर्मी बहुत थी, इससे न तो कार्यकर्ता परेशान था, जनता में उत्साह पूरा था। केवल 1-1.5 घंटे का ऐसा कालखंड था जो थोड़ा सा सुस्ती का रहा, बाकी 3:30 बजे के बाद वापस जो गाड़ी चली है सारे शहर के अंदर जबरदस्त उत्साह, कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ, आदरणीय भाई साहब का नेतृत्व तो हम सब के साथ था, सारे देश के अंदर मोदी ने जिस तरह से कैंपेन किया है, इन सब बातों को मिला करके ऐसा खूबसूरत वातावरण बना है, और जैसा आदरणीय भाई साहब कह रहे थे इतने ही मतों से हम यहाँ से जीत करके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजकुमार जी चित्तौड़ा साहब, आप भी कुछ कहें क्योंकि अभी भी युवा लग रहे हो आप, तो युवा मोर्चा का काम कर दो आप। जैसा कि लगातार 15 दिन से हम वार्डों में दौड़ रहे हैं और जहाँ भी हम जाते हैं एक तरफा से कहते हैं आप मस्त रहो, हम अपने आप से वोटिंग करेंगे, और वो आज हमको प्रत्यक्ष उदाहरण जो हमको देखने को मिला
कहीं हमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग अपने आप आ गए और अपना वोटिंग करके चले गए। जैसे मेरे भाग का 77% वोटिंग हुआ, जबकि हम मानते नहीं थे कि ऐसा वोटिंग हो जाएगा। आगरा खाली एक बार सबने सवेरे किया था, उसके बाद मतदाता अपने आप आके और वोट देके चला गया। इसी तरह से पूरी मंडल में जो हमको लग रहा है कि मतदाता इस बार बहुत जागरूक था और अपने आप आकर मोदी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार था, इसलिए मोदी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चुनीलाल जी भाई साहब पधार चुके, हमें एक शब्द कह दें, दो शब्द नहीं, अपने लिए तो धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी कार्यकर्ताओं को। भाई साहब गुलाब जी के नेतृत्व में उदयपुर सीट को हम लाखों वोटों से जीतेंगे, और कार्यकर्ता ही नहीं, खुद मतदाता चल करके मोदी जी को जिताने के लिए अपने घर से निकल गया है, लाइनों में लगा है, और इस कड़ी धूप में भी बहुत अच्छा मतदान हुआ है, और उदयपुर सीट मोदी जी को लाखों वोटों से जिताएंगे। हमारा प्रत्याशी जो अर्जुन जी हैं वो काफ़ी लाखों वोट से जीतेंगे, और सारी मेहनत कार्यकर्ताओं के मैं तो समझता हूँ कि उनके बलबूते भी हम इस सीट को जीतने वाले हैं। हमारे गिरवा मंडल के जो प्रधान है श्रीमान तखत सिंह जी, क्योंकि तखत सिंह जी भी सभी चुनावों में बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, क्योंकि अभी भी इन्होंने ग्रामीण की विधानसभा लगभग 26,000 वोटों से जीते, ये बहुत बड़ी जीत है। आदरणीय भाई साहब, ये लोकसभा में किस तरह से रहेगा? ग्रामीण विधानसभा में वास्तव में जो आज करीब मैं 70-80 बूथ पे मैं सुबह से निकला हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के पोलिंग बूथ नहीं लगे, ग्रामीण एरिया में कांग्रेस के पोलिंग बूथ नहीं लगे, ऐसा पहली बार हुआ ग्रामीण एरिया में, और 85% पोलिंग बूथ पे वोटिंग हुई है हमारी। मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रामीण विधानसभा में हम 40,000 से 50,000 वोट से जीतेंगे ग्रामीण विधानसभा सिर्फ, और अर्जुन जी 3,00,000 से ऊपर वोटों से जाएंगे लोकसभा में चुनाव जीतेंगे, और पहली बार कांग्रेस के पोलिंग बूथ नहीं लगे, ये देखने को मिला हमारे ग्रामीण विधानसभा में। जैसा कि हमारे प्रधान साहब कह रहे हैं कि अर्जुन जी मीणा 3,00,000 वोटों से जीतेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। श्रीमान सुशील जी, आप पार्षद भी रह चुके हैं और आप यहाँ के कार्यालय मंत्री भी है, बहुत खूबसूरत कार्यालय बनाया सुशील जी ने, बोलिए कुछ। वैसे तो मोटे तौर पे पिछले 5 वर्ष में आदरणीय मोदी जी के कार्यकलापों को जनता ने जिस तरह से देखा, और आज दिनांक 29 तारीख को जो जोश और जुनून जनता में था वोट डालने के प्रति, वो देखने लायक था, मैंने भी पिछले 35 वर्षों में नहीं देखा। इससे स्पष्ट है कि हमारे प्रत्याशी भाई श्री अर्जुन जी लगभग 2 से 2.5 लाख मतों से विजयी होंगे, और ये एक मोदी जी की राष्ट्र प्रेम के प्रति और हमारे आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब के सहयोग और योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा लायक है। धन्यवाद। यस सर, आप भी अपने वो शब्द कह दें। पिछली बार गुलाब जी भाई साहब के चुनाव में हमारा जो वार्ड 11 है उसने सर्वाधिक लीड दी थी 982 वोटों की, और अभी हमने कैलकुलेशन लगाई है हमारे 4 भागों की, 173, 174, 196 और 197, हम 1,269 वोटों की न्यूनतम बढ़त देंगे भारतीय जनता पार्टी। ये कौन सा वार्ड और कौन सा एरिया? वार्ड नंबर 11। वाह पंकज भाई साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।